we are giving the doctorate to the person who are nominated from the Gandhi Peace Foundation Nepal. Mr. Rana is there, he is the founder member of there. Dr. Abdul Rashid Khan is there. Now they will speak about the more about the Gandhi Peace Foundation Nepal. Have a word. Sir, Gandhi Peace Foundation exactly kya hai, unka kya maksad hai aur kya kya karte hai, what all work the foundation karta hai uske bare mein? Gandhi Peace Foundation pehle se established hai aur hum logon ne uska ek udaharan ke liye Nepal mein establish kiya, Gandhi Peace Foundation Nepal. To uske founder president hai hum. ये जो गांधी जी का जो सिद्धांत है, फिलोसॉफी है, आज 21st सेंचुरी में सबसे पहले इसको डेवलप किया जर्मन में, तो फिर पीटर रू करके हैं उन्होंने डेवलप किया, तो उसको जो ब्लैक एंड वाइट सीनरी था उसको मॉडर्नाइज किया गया लाइक इज कलरफुल, तो उसको प्रेरित करते हुए हम लोगों ने 21st सेंचुरी में गांधीजी सिस्टम को कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो उसके आधार से ही हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं. और ये हमारे दूसरा प्रोग्राम है जो हम लोग डॉक्टरेट ऑनर कर रहे हैं हमारे साथ फाउंडेशन की तरफ से, और मुझे खुशी हो रही है कि इसमें हमारे प्रदेश के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रमुख डॉक्टर चतुर सिंह जी जुड़े हैं और उनके साथ हम लोग काम करने की मौका मिल रहा है. थैंक यू. आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है अपने डॉक्टरेट से, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, किस तरह से इसका चयन किया गया था या इनको क्या अवार्ड दे रहे हैं, अवार्ड ही है, डॉक्टर व्हाट इज द क्राइटेरिया? इवन सर वो भी डॉक्टर फाउंडेशन के लिए एक सौ 150वीं वर्षगांठ पर गांधी पीस फाउंडेशन भारत के अंदर पहली बार हम रिसर्च करने के लिए PhD का लॉन्च किया है. गांधी की सिद्धांत क्या थे, गांधी के विचार क्या थे, पूरी दुनिया में गांधी के बारे में पढ़ाया जा रहा है लेकिन हमारा भारत अछूत हो रहा है, तो हम उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेपाल से हमारी संस्था के जो हेड हैं राणा जी ने इस पर विचार किया और हमारे जैन एशिया फाउंडेशन के मिस्टर चतुर सिंह जी इन्होंने उसमें सपोर्ट किया, तो जाकर के ये एक बहुत बड़ा रूप बना और अब हम भारत के कोने कोने से उन लोगों को चुन रहे हैं जिन लोगों ने गांधी जी के विचारों पर, गांधी जी के सिद्धांतों पर जिया है, अध्ययन किया है और उसके विचारों पर चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, तो आज की जो जनरेशन है उन तक वो विचार जाए, वो उसको अध्ययन करें कि गांधी जी क्या है, गांधी जी विचार क्यों दुनिया में फेमस है, क्यों गांधी जी को आज इज्जत के साथ पूजा जाता है, तो जब हमारी आने वाली पीढ़ी देखेगी तो ये शांति का जो संदेश जाएगा उस शांति से हमारे भारत में और दुनिया में एक नया संदेश जाएगा. भारत ही शांति का सबसे पहला अंग है और भारत सबसे आगे बढ़ करके शांति के लिए काम कर रहा है. गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को लेकर के हमने इसीलिए डॉक्टरेट देना शुरू किया है कि जिन लोगों ने काम किया है लेकिन वो मंच पर नहीं थे, पीछे थे, उनको ढूंढा गया है और उनको आज ला करके इस जैन एशिया फाउंडेशन के माध्यम से यहाँ पर उनको अवार्डेड कर रहे हैं. ये एक संदेश जाएगा और इस संदेश के बाद लोग गांधी जी के जितने भी विषय हैं उन सब पहलुओं को छुएंगे, उनका अध्ययन करेंगे और उनको जानेंगे. सर आप कुछ बताएंगे पद्मश्री या पद्मश्री गांधी गांधी फैमिली रिलेटेड फ्रॉम गांधी फैमिली रिलेटेड फ्रॉम द गांधी फैमिली आइए आइए. 100 साल पहले मेरे दादाजी ने जिसका नाम तो करम गांधी था उन्होंने गांधी जी के साथ काम किया और 100 साल से हम मेरे फैमिली वो गांधी तत्वोन्नयन के लिए हम काम कर रहे हैं. गांधी तत्वोन्नयन में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरत है. हम बोलते हैं कि पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ पर गांधी जी के सिद्धांत पर कोई नहीं. गांधी जी के एक पेपर भी होता था उसमें आधा पेपर में चिट्ठी लिखते थे और एक दफ़ा उनके पेंसिल में भी कम हो गए तो वो ये करते थे. आजकल हम वो यही करते हैं. और दूसरा जो गांधी जी का सिद्धांत है कि आजकल दुनिया में ऊपर नीचे के लोग हैं, अभी दूसरा है, पहले तो हरिजन थे, ब्राह्मण थे, डिफरेंट, अभी दूसरा हो गया. नाउ इट इज़ अ प्रॉब्लम. मेरे ख्याल से मैंने 45 लाख स्टूडेंट्स के लिए देश में और विदेश में काम किया है, अभी दो हो गए. गांधी जी का सिद्धांत था सबको एक ही शिक्षा मिलता है,
मगर आज क्या हो गया, एक स्कूल बच्चा जाता है वही एसएससी में पढ़ता है, 2 लाख फी देता है, 1 लाख फी देता है, दूसरा जो होता है म्यूनसिपल स्कूल में जाता है। तो अभी मुझे यह प्रॉब्लम है, एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगे, इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट को वो सॉल्व करना पड़ता है। वो तो गांधी जी ने क्या किया था, तो हरिजन बच्चे थे वो प्राइमरी स्कूल में जाते थे, एक दूसरे को मिलते थे, मगर अभी ये 2 पॉइंट है वो कैसे मिलेंगे, दैट इज़ प्रेशर। दूसरा जो है व्यसन मुक्ति के बारे में, व्यसन मुक्ति बहुत बढ़ रहे हैं, कायदा से कुछ भी नहीं होने वाला, वो आपको बच्चे के ऊपर संस्कार करना पड़ता है। और मेरा अनुभव है केजी क्लास का लड़का ने उसका ग्रैंडफादर का बीड़ी पीना छोड़ दिया, इट इज़ पॉसिबल, यू हैव टू कन्विंस। आई नो वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं उसको 30 साल पहले मिला था, एंड दैट टाइम ही यूज्ड टू हैव पाइप स्मोकिंग, तो मैंने बोला कि इट इज समथिंग रॉन्ग, बट यू सरप्राइज, ही सेड आई मेट हिम आफ्टर 30 ईयर्स एंड बिकम अ प्रेसिडेंट, ही सेड आई स्टॉप दैट, एंड उन्होंने व्यसन मुक्ति के लिए एमपी का क्लब बनाया था। ये संस्कार कर रहे हैं, कायदे से कुछ भी नहीं होने वाला, हम रोज कायदे बनाते हैं, प्लास्टिक बैंड बोलते हैं, प्लास्टिक बैंड करना अल्टरनेटिव क्या है, एक साड़ी में से 12 कैरी बैग्स हो जाते हैं, वो हम नहीं सोचते, वी डोंट से द अल्टरनेटिव। ये देखो मैं तंबाकू छोड़ने को बोलता हूँ ना, तो मुझे बोलना है धनिया खाओ, कुछ तो अल्टरनेटिव देना मिलते हैं, खाली छोड़ के कुछ फायदा नहीं है। और ये जो है आज के पॉलिटिक्स में, मैं पॉलिटिक्स में ज़रा जुड़ा भी हूँ, तो जो डाउन ट्रेडर है, पहले के नेता ऐसा थे वह उनका जो चेले के साथ में चलते थे, अभी इट इज़ अ बिग गैप। और दूसरा जो है राष्ट्रीय एकता, हम खाली बोलते हैं मगर कितने लोग, हम नागालैंड में जाते हैं, नागालैंड के बच्चे किधर आते थे, राष्ट्रीय एकता एक गांव में है, देखो झोपड़पट्टी में जो रहने वाला लड़का है वो कमला हिल क्यों नहीं जा सकता, और राष्ट्रीय एकता आने के लिए अपने बहुत काफ़ी काम करना पड़ता है। और मुझे बहुत खुशी है हमारे से भी ज़्यादा कि नेपाल के लोगों ने ज़्यादा लीड लिया है, आई एम कॉन्ग्रेचुलेट देम, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लिए सब शुभेच्छा। इंटरनेशनल गांधी फाउंडेशन नेपाल जो ये कर रहे हैं, लाल बहादुर राणा जी कर रहे हैं, अब गांधी जी के जो सिद्धांत थे, आज 70 वर्ष 150वीं कर रहे हैं, 70 वर्ष से अपना इंडिपेंडेंस मिला है, एंड इन दैट वन जो चीज़ गांधी जी ने कही थी, 3 बंदरों की बात की, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, आज ये चीज़ वैनिश हो रही है, और उसी के सब चीज़ को अपने को वापस लाना है, क्योंकि सोने की चिड़िया है भारत, भारत सोने की चिड़िया रहेगी, एंड इट शुड बी दैट वे। और इसमें नेपाल ने हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, यू कैन से दैट, और हम लोग को यहाँ पे दी जा रही है, तो चतुर्जी सिंह जी को आभार मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया सो दैट द अदर पब्लिक विल बी नोइंग कि वॉट गांधी फाउंडेशन इज़, और गांधी जी के विचार क्या है 150 का। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू चतुर सिंह जी, थैंक यू। सो आई एम वेरी मच अट्रैक्टेड बाय व्हाट गांधी जी सेड दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, इफ दूसरे को चेंज करना चाहते हो तो पहले अपने आप को चेंज करो, एंड सेकंड थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द प्रिंसिपल इज that the Gandhi was not having any political power, no power at all, but he was having the power of the leadership of principle, and he was having the leadership of personality, so he was attracting people through the personality and principle, so these are the two things was the key things which attracted me towards these people also, and we should thank Chatur Singh ji and all the people plus Rana ji and everyone, they have given a great platform for everyone to come and show to the world that what leadership is all about. Thank you so much. जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, हम गुजरात से, गुजरात की धरती से आए हैं, गांधी जी की विचारधारा आज भी प्रस्तुत है, गांधी जी अपने आप में खुद एक विचारधारा है और उसको पूरे देश में पूरी दुनिया में हमें स्प्रेड करना है, नेपाल ने इनिशिएटिव लिया है, चतुर सिंह सर ने हमें इनके लिए प्लेटफॉर्म दिया है, मैं ये मन से सबका आभार मानती हूँ यहाँ पे, और आप सबका भी मीडिया पर्सन से यहाँ पे हमारा जो कवरेज लेने आए, इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, गांधी जी की विचारधारा भी आगे बढ़ेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली, और मैं
इन लोगों के आभारी हूँ जो मुझे आज बुलाए इन्होंने, और कामयाबी इनके हमेशा साथ दे। आई एम द फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल पीस फ्रेंडशिप एंड ब्रदरहुड फॉर द होल यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि हम लोग महात्मा गांधी के आदर्शों को मानते आए हैं, लेकिन इनका प्रचार प्रसार किसी कारणों से अभी जो भावी पीढ़ी आ रही है उसमें नहीं हो पा रहा है। आप देखिए, नेपाल से श्री राणा जी ने हमको राजस्थान का स्टेट हेड बनाया, भाई साहब को गुजरात का बनाया भूपेंद्र व्यासी को, और इस तरह से करके वापस से एक मुहिम ला दी है जिसमें हमको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं उनको डेवलप करना है। और उनके ऊपर भाई चतुर्दशी जी का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमको इस एक मंच पर ला करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए, जरूरी नहीं है हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, हमको भी आगे आना चाहिए, इनिशिएटिव करना चाहिए, गवर्नमेंट अपने आप आगे आएगी। अभी 150 का हो रहा है ना, अभी सेलिब्रेशन मना रही है, गवर्नमेंट भी सेलिब्रेट कर रही है, छप्पन देशों में मनाई जा रही है और भारत सरकार उसका फंडिंग कर रही है। उसका लोकसभा चुनाव की वजह से थोड़ा सा ब्रेक आया, वो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम को शामिल नहीं कर पा रहा है सर। एक विचारों को सरकार आगे बढ़ा रही है, पीस फाउंडेशन जो अवार्ड दिया गया है उसके बारे में जानना चाहेंगे। आप खास करके नेपाल से आए समाज को बताएं। ये डॉक्टरेट होनर एक हमारा हनरी सर्टिफिकेट से जो गांधीयन फिलोसॉफी के अंतर्गत हम लोग एक एग्ज़ाम लेते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, एक क्वेश्चन भेजते हैं और उनमें हमारे जो आज हनरी हुए हैं सब लोग एग्ज़ाम दे के फिर हम लोग उनको उत्तीर्ण कर मतलब पास करवा के फिर हम लोग उनको डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट इशू करते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सोशल में और ह्यूमैनिटी में मानव अधिकार और समाज में कितने काम किए हैं, कम से कम 10 साल से ऊपर जो काम किए हैं उन्हीं को ही हम लोग ऑनर करते हैं जो सोशल वर्क में जुड़े हैं, जो गांधी जी का सिद्धांत है उसमें जो जुड़े हैं 10 साल से ज़्यादा जुड़ने वाले को ही हम लोग इसको अवार्ड कर रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि कोई भी 20 साल की कम उम्र के चेहरा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40-50 लोगों की उम्र के चेहरे हैं, और यहाँ तो हमारे साथ साथ गुरु जी हैं, यहाँ योगा आचार्य जी हैं, तो ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और राष्ट्र को कुछ दिए हैं। तो इसलिए हम लोग जो सोशल वर्क में लगे हुए हैं और गांधी सिद्धांत को समाज के अंतर्गत जो फैला हुए हैं उन लोगों को हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और उसमें उत्तीर्ण होने के बाद ही हम लोग ये डॉक्टरेट होना करते हैं। और ये अभी तक कम से कम 40 लोगों को दिया गया है, US में 2 को, फ्रांस में 1, कनाडा में 2, बांग्लादेश में 2, और कोरिया में, यहाँ ब्राज़ील में, ऐसे करके हम लोग 40 लोगों को दिया गया है। ये फंक्शन हमारा इंडिया के अंदर पहला है, लेकिन इससे पहले फंक्शन हो चुका है नेपाल में और थर्ड फंक्शन होने जा रहा है 7-8 ऑन अक्टूबर, तो काठमांडू में हम लोग कर रहे हैं, होटल एम्बेसडर 4 स्टार में हम लोग कर रहे हैं प्रोग्राम। तो मुझे लगता है कि सबको वहाँ आना चाहिए, स्वागत है। और ये बस ये गांधी जी का जो सिद्धांत है, जैसे कि योग करना, क्योंकि स्वयं गांधी जी साक्षात योगी थे तो इसलिए उनको महात्मा कहा गया, तो इसलिए हम लोग योग के माध्यम में, ह्यूमैनिटेरियन में, और साथ ही साथ हम लोग नॉन वायलेंस और पीस में जो काम कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, उन सबों को हम लोग दिए जा रहे हैं। तो बस जो सिद्धांत गांधी जी के 3-4 हैं उसके अंदर ही दायरे में हम लोग एग्ज़ाम लेने के बाद ही देते हैं। एशिया फाउंडेशन के द्वारा जो आज फंक्शन रखा गया, बेहतरीन तरीके से उसको सजाया गया संवारा गया। जिस तरह से इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई, कोरियोग्राफी देखा मैंने, ये बेहतरीन एक भारत के एशिया और अफ्रीका को अगर देख करके मिलाया जाए तो बेस्ट कार्यक्रम था। आज जिन लोगों को यहाँ डॉक्टरेट दिया गया है जैन फाउंडेशन के मंच से, वो और दो अभी फेस टू फेस किया जा रहा है, इसको लेकर के हम बहुत प्रसन्नित हैं और हमको लग रहा है कि हम आगे जा करके इसको और एशिया और अफ्रीका देशों में ले जाएं और इसको और डेवलप करें।
यहाँ जिन लोग सम्मानित हुए हैं, जिनको अवार्ड दिया गया है, मैं उन सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि लोग गांधी के विचार, उनके संदेश और उनके आचरण को, उनके पदचिन्हों पर चलें, उनको आत्मसात करें और आने वाली पीढ़ी को उसके अवगत कराएँ। मैं शिव प्रकाश सिंह बघेल, राम इंदौर, मध्य प्रदेश। मैं BSL में इंजीनियर पद से रिटायर हुआ और करीब 30 वर्षों से योग की सेवा कर रहा हूँ। इस भागम भाग जिंदगी में हमने पाया कि कहीं इंसान को, मनुष्य को ऐसा साधन चाहिए जिसके द्वारा वो कुछ ही समय में जल्दी अपने आप को इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को रिलैक्स कर सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना अधिक तनाव हो गया, ये तनाव कई बीमारियों का कारण बन जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, यहाँ तक कि हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब तनाव के रिजल्ट हैं। तो हमने इन्हीं बीमारियों से बचने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, हमने पाया कि योग के अंदर बहुत अच्छे इसके साधन हैं, इसके परिणाम योग के बहुत अच्छे हैं। और आध्यात्म, स्पिरिचुअल योगा एक ऐसी चीज़ है कि यदि इसे 10 मिनट भी कोई आध्यात्म से जुड़ता है तो उसको करीब 2 घंटे की नींद का उसको आराम मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है। आज गांधी पीस फाउंडेशन का मैं हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने योग का सम्मान किया। ये सम्मान न केवल मेरा है अपितु हमारा एक मॉडर्न योग क्लब रजिस्टर्ड पंजीकृत संस्था इंदौर में, जिससे करीब 2000 योग साधक जुड़े हुए हैं, उन सभी योग साधकों का सम्मान है, मेरे परिवार का सम्मान है। और इस सम्मान से हमें योग की सेवा करने का और अधिक उमंग प्राप्त हुई है और हम प्रयास करते रहेंगे और करते रहें कि इस विधा को, इस अष्टांग योग को, क्योंकि अष्टांग योग में भी वही बहुत कुछ समाहित है जो गांधी जी के सिद्धांत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ब्रह्मचर्य, यही गांधी जी के मुख्य सिद्धांत थे। और अष्टांग योग में भी करीब करीब यही दिया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 मुख्य अंग हैं। हम इसी को ध्यान में रख करके और आध्यात्म का अधिक से अधिक प्रचार, स्पिरिचुअल योग का अधिक से अधिक प्रचार करेंगे, जिससे कि विश्व में, मानव में अधिक से अधिक शांति फैले। सबको इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली मैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हूँ और गांधी फाउंडेशन वालों ने मुझे मुंबई की पीस एम्बेसडर चुना है और मैं न्यू मेंबर हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनके सिद्धांत पे चलने के लिए और इनसे गाइडेंस भी लूँगी। अभी मैं नेपाल में जो इनका फंक्शन है वो भी अटेंड करने जा रही हूँ। नमस्कार। मैं राजेंद्र सिंह राजपूत, राजस्थान से, और गांधी शांति प्रतिष्ठान नेपाल ने मुझे राजस्थान का हेड बनाया है। और अभी जो हम लोग नेपाल में 7-8-9 अक्टूबर को वहाँ जा रहे हैं इस फर्स्ट समिट को अटेंड करने के लिए, इसमें मेन हमारा काम है कि जो गांधी जी के सिद्धांत थे उनका हम अनुपालना करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, सोशली, पॉलिटिकली और कार्यरत हूँ, और साथ में मैं एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी में कंसल्टेंसी देता हूँ बॉम्बे से। थैंक यू। This is a foundation we are giving a chance to the upcoming designers and newcomer models in the both the way. Actual show title is Janesha Foundation Present, Face of the Year and Designer of the Year, powered by Seam by Seema and AIFT Fashion Designing Institute. She is the head of the department, Seam by Seama and AIFT. She is a co-founder and she is our powered by sponsor. And we are doing this program last couple of years, started in 97. So this is the 21st program. Every time new models, every time new designer with a new concept, something new, different issues. And we are inviting it's the copyright process. We are inviting the color sketches. On that we will decide who is the best one, who will go the forward. Otherwise we reject it out. And we are not charging any single paisa from any beauty pageant.
other beauty pageant people are charging the money, but we are not charging any rupee, any single rupee. This is a new, something new. Yeah, they are associated with me, so she will answer later. Tell us about your show. Main abhi jata hoon new designer and models. They are getting a lot of benefits in the other shows also. They are invited as a guest appearance, something in that way. And those who are taking the part in our previous show, they are totally the stars, like Rohit Verma, like Alkita Rokhalde, like so many other people are there. They are now reached at the top level. मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ जेन एशिया फाउंडेशन से. मेरा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, आई एम द फाउंडर ऑफ एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड माय ब्रांड इज सीम बाय सीमा. इट्स माय वुमेन एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर वेयर ब्रांड. आई एम द डायरेक्टर ऑफ दैट सीम बाय सीमा. एंड ये जो जेन एशिया फाउंडेशन का जो फेस ऑफ द ईयर डिज़ाइनर ऑफ द ईयर है, इसमें न्यू कमर्स को प्लेटफॉर्म दिया जाता है. दिस इज द एंड चार्जिंग विदाउट चार्जिंग सिंगल पे. जैसे न्यू डिज़ाइनर है उनको अपने डिज़ाइंस शो करने के लिए, न्यू डिज़ाइनर को अपने डिज़ाइंस शो करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेगा. मॉडल्स को, जो न्यू अपकमिंग मॉडल्स है, उनको यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलेगा. Well, I just want to, you know, wish everyone all the very best. I think the quality will be good because it's Mumbai and people coming from all over the place. So I'm sure it will be great. I have no doubts about that. I just want to wish them all the best because it's very important to encourage new talent. And I've also very recently started my journey. But I'm honored to be part of here, part of the jury here today. So yeah, good luck to all the contestants. So what is the definition of perfect face of 2019? Perfect face. Well, perfect face, actually, you know, there is a very mathematical proportion for a perfect face. But let's not get into the science. I think, you know, a beautiful heart, a beautiful soul accompanied by a beautiful face is the perfect combination. I think that is the most important thing, to be a good human being, and the beauty just follows. Lastly, any upcoming project you would like to share with us, any film or something? Yes, I will be seen very soon in a film called Mangal Ho, which is a Bollywood film. It's a romantic science fiction comedy, and yeah, quite excited about it, and everyone do go and watch it when it comes out. Thank you so much. Thank you so much. सुनील जी, आप यहाँ पर आए फेस ऑफ द ईयर 2019, डिजाइनर ऑफ द ईयर गुजरात में आप आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या शुभकामनाएं? चतुर सिंह खालसा ग्रुप को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ. 97 से इशू हुआ है सिलसिला और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि दिन प्रतिदिन टैलेंटेड लोगों को ढूंढना, खासकर न्यू मॉडल्स को ढूंढना, उन्हें ब्रेक देना, उन्हें उनकी तरह से तैयार करना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और रचना इवेंट्स को इस लिए मैं बहुत शुक्र देता हूँ. रचना जी ने आज मुझे बुलाया तो मैं शुक्रगुजार हूँ. और मैं अपने साथ बहुत सारे साथी कलाकारों के साथ में यहाँ पर आया हूँ धमाल करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है, नया सीखने मिलता है. मैं तो समझता हूँ कि मैं एवरी डे अपने आप को न्यू कमर फील करता हूँ. तो आज जिस तरह से चतुर सिंह खालसा का ये एजेंडा है कि हर नए कलाकार को चाह दिया जाए, तो मैं आज अपने आप को नया समझ रहा हूँ. और चतुर सिंह खालसा न्यू कमर समझकर आज से कुछ नया करने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसमें हमारे रोहित प्यारी हैं, आशीष है, और तमाम लोग सुभाष जी हैं, मंजीत जी हैं, और हम सब इसके साथ में जुड़ रहे हैं. तो शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम होने वाला है. इतनी ज़रूरत महसूस करते हैं कि नए कलाकार को इनफैक्ट बहुत बड़े पीरियड होता है, काफ़ी हो गया, प्लेटफॉर्म देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाहूँगा? तो आप भी हमेशा किसी यंग टैलेंट को सपोर्ट करना, और आप हमेशा आगे रहते हो, क्या
मेरा ऐसा मानना है कि आपको मॉडल तो बनना ही चाहिए, नॉट सिर्फ उस रैंप वॉक करने वाले मॉडल तो होते ही हैं, लेकिन जीवन में आप अपने काम में हमेशा मॉडल बनिए, वरना क्योंकि दो ही तरह के मॉडल होते हैं, या तो अच्छा काम करने वाले को मॉडल कहते हैं, गलत काम करने वाले को एंटीक मॉडल कहते हैं, मतलब एंटीक मॉडल कहते हैं। और मॉडल को हिंदी में नमूना कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिंदी वाला मॉडल ना बने, इंग्लिश वाला मॉडल बने, मतलब मॉडल बने, और हिंदी में उसे कैसे कहते हैं कि प्रेरणा देने वाले लोग बने आप, ताकि अपने काम में, अपने प्रोफेशन में आप अपने अच्छे विचारों को देश और दुनिया तक पहुँचाएँ, और अपने काम को, अपने नाम को, अपने देश को प्राउड। आप ओल्ड डेवन करना चाहोगे, जहाँ पर आप भी नए थे, आपको किसी ने चार्ज दिया था, आपकी दुनिया में हो, वो बताना चाहोगे, शेयर करना चाहोगे? मैं कभी कभी कहता हूँ कि मेरी मिलिट्री या मेरी कॉमेडी की जो पढ़ाई हुई है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि जॉनी लीवर साहब जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसका नाम है ऑक्सफोर्ड कॉलेज, वहाँ से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि लीवर हिंदुस्तान लीवर से पूरी दुनिया चल रही है, हम जॉनी लीवर से चल रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जॉनी भाई ने और उनके छोटे भाई जिमी मोसेस साहब ने और पंकज सरस्वती जिन्होंने लाफ्टर चैनल बनाया, ये तीनों का योगदान मेरे जीवन में बिल्कुल वैसे ही है जैसे तीन मौसम कह सकते हैं या ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते हैं। तो ये तीनों का मुझे आशीर्वाद मिला है, सपोर्ट मिला है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही लोग हमेशा नए कलाकारों को मिलते रहें, और जैसे मुझे अच्छे लोग मिले, नए मॉडल्स को ऐसे लोग मिले, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। अच्छी चीज़ों का काम, अच्छी चीज़ों को खोज चले, रुकना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। और आप सबका सपोर्ट रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो मुझे लगता है कि ये चलता ही रहेगा। मुझे अभी जस्ट फिलहाल अभी याद आया कि कभी रैंप पे वॉक किया था, या फिर इस तरह से कोई प्रोग्राम अपने रैंप में आ रहा होगा जहाँ पर कॉमेडियन चले अपने देखिए, रैंप पे वॉक करने से ज़्यादा अच्छा है कि जीवन में आप चले। वैसे आर्टिस्ट वही होता है जो चलता हो, बोले यार बहुत आर्टिस्ट बहुत चल रहा है यार, चलना जो है जीवन में, वॉक भी करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि न केवल रैंप पर वॉक करने वाले, दुनिया में अपने काम में चलने वाले लोग भी मॉडल होते हैं, अपने काम के लोग रोल होते हैं। मनीष जी, आप सबसे ज़्यादा चाहेंगे, आपकी भी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, सुनील जी यहाँ पर आए, बड़ा यूट्यूब से लोकेशन। सेकेंडली आप सबको थैंक यू यहाँ पे हमको कवर करने। मैं मंडाले में शुरू कर रहा था और मेरे मन में हजार बार ये आया कि ना जाऊँ, क्योंकि इतना दूर कौन है, पता नहीं कौन सी शक्ति थी या क्या मेरे मन में समझू आया कि एक मतलब इतफाक़ की बात है, सच्ची की बात होती है कि मैं आया। और रचना जी मेरी रचना हुई थी, मेरे घर रचना है ऐसे ठीक है, रचना है ऐसे। सुनील जी ने वहीं पे बोल दिया था वाहेगुरु जी फतेह, वाहेगुरु का खालसा, पंजाबी दी शान बकरी, शिवम मुर्गा शाम बकरी। अभी बिग बॉस की बात क्या हो रहा है, क्या बिग बॉस के बाद अभी एक और सस्पेंस फिल्म की तैयारी चल रही है, लेकिन क्या फिल्म है और सस्पेंस है, क्या कहानी है, सस्पेंस है और कब आएगी, ये भी सस्पेंस है, छोटा सस्पेंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू। स्टार्ट सेकंड रनर, रोल, चलो रोल है योरसेल्फ and then you just in and out chalo chalo abhi wapas atun par padhiye। I am Anushka Ram Khadkar from the distant center of India, that's Nagpur, and I really dreamt of, it's like dream coming true, I love to be on stage when I was small, and yes, as I said, I want to be the one to break the stereotypes of beauty. For me, being bold is being beautiful. Thank you. Were you confident enough, like to say, like from the commercial? I prepared really hard for it. I used to go for my cooking classes, Rajesh sir helped me for that. Woh hi to bola tha maine. And yes, for fitness and everything, I did. Kuch nahi. How happy are you? Are you can see it on my face. Now, what are your plans like? You know, future plans? Actually, I want to complete my MBA from IIM and open a business, like an industry for my dad, because it was his dream. And with it, I'll be completing my passion. Yes, that's modeling for sure. Thank you. Yeah.
your introduction. Hello, I'm Lakshmi Dwe from Palghar. And I'm 19 young, and this crown is mine. I was knowing this since I was there in Talisha. So yes, you can see it right now. The crown is mine. What do you plan, like, go? Normally when you get into the fashion industry, you want to do something into fashion, you want to get into Bollywood, what are your dreams? Now, right now, I am a student of second year BSc, so yes, surely I will be completing my studies. And for sure, I will be not wasting this crown, and yes, I will be stepping up in the modeling industry. Something about modeling, what would your message to the young aspiring people who really want to get into fashion and join into some platform? I would like to give a message to all their parents, like, it's not about the women should not enter this industry. It's not about the female empowerment or women empowerment, feminism. It's about the men. It's about the men empowerment. It's about the manism. We need men to stand with us. We need men to stand with their sisters, mothers, and their friends to let us move on, to let them move forward. So thank you so much. Yeah. Congratulations. Congratulations. Madam, one second. Bas sir, yahan pe ruk jaiye, mera naam sab udhar ja raha hai. Yeah, isme center look. Yeah, yeah, yeah. कितनी मेहनत आपने की थी और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको आपने इंट्रोडक्शन ना किया है समथिंग अबाउट विनिंग द क्राउन थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच विदाउट यू लाइक आई कुडंट मेक इट आप किरण तांबे I'm a MBA student from Jamnal Bajaj. I'm a professional model and actor too. I've taken acting lessons from FTI and modeling from Kokomer. I'm looking forward to entering the Bollywood industry soon and using this crown the better way. Thank you. Something about, like, were you confident enough, like, the same question I would like to repeat, like, you'll be getting the crown or abhi jaise crown mil gaya hai, to iska shreya aap kisko dena chahoge? Par se aa rahe hain. First question, am I confident enough or not, that you can see on my face? I'm known as a confident girl. Like, one should have to be confident. Like, as I said in my introduction too, that I believe, I'm the girl who believe, like, confidence comes through the knowledge. As you see, like, I have the maximum degrees. I keep on learning. Whatever interests me, whatever way I want to go, I don't go just like that. I research about it and I go. So of course, like, and the second question. I'll give all these credits to all my mentors over here. It is not like a few days thing, and we're on the stage and we won this crown. All people like Simon Levinson and the other people who have taken a very much efforts on ourselves, and that's why we are standing here with the crown and a smile on our face. The Chatur sir, who have given us such a wonderful opportunity. The stage is. We can't compare this platform to any other platform, guys. We haven't paid anything over here. Still, like, we got such a best training through such a wonderful mentors we got. So, Zen Asia Foundation, thank you so much for this. One last question, like, what your message, like, kya message dena chahoge ab jinko industry mein aana hai, fashion mein aana hai, Bollywood mein aana hai. They want to do something, they want to achieve their dreams. One message I would like to give, like, believe on yourself. There is nothing known as a beauty, there is no specification. You can be any size, any shape, any height, any color, guys. Oh. Just believe on yourself and go ahead. Just achieve your dreams and dream will come true. Thank you and wishing you all the best. Thank you. Thank you very much.